केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार सतर्कता बरत रही है। उन्होंने कहा कि विदेशों से आ रहे लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके लिए 30 हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। आज लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी है। जो विदेशों के संदर्भ में कोरोना वायरस आउटब्रेक की परिस्थिति जो भारत में भी है उसको कंट्रोल करने की दृष्टि से और विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की दृष्टि से उन्होंने विस्तृत जानकारी अभी सबको दी है। अभी जो उनके सामने प्रश्न रखे गए हैं उनमें मैं समझता हूं कि कुछ प्रश्नों का उत्तर अगर मैं आपको दूंगा तो आप सबकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम और ज्यादा स्ट्रांग होगी और वो सब आपके लिए जानना भी आवश्यक है। तो सर अभी जो यहाँ पर कई लोगों ने ऐसा एप्रिहेंशन व्यक्त किया कि अगर कोई केस कहीं पर पॉजिटिव टेस्ट होकर आया है तो इसका मतलब है कि उसकी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग नहीं हुई और विशेषकर ये कोची के संदर्भ में बात कही गई। तो पहली बात तो मैं ये आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब भी कोई पेशेंट बाहर से आता है, पेशेंट यानी पैसेंजर बाहर से आता है, तो एक काम वो करता है कि वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन डुप्लीकेट में फॉर्म भरता है, चाहे वो हवाई जहाज के अंदर भरता है या वो एयरपोर्ट पे आके नीचे आके भरता है। उसके बाद उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या उसके सिम्टम्स हैं या थर्मल स्क्रीनिंग का क्या रिजल्ट है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उसी समय उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, चाहे वो अस्पताल के अंदर किया जाए चाहे दूसरे सिस्टम के अंदर। लेकिन कुछ लोग हिस्ट्री या थर्मल स्क्रीनिंग या किसी भी कारण से जिनका थोड़ा सा भी सस्पिशन होता है उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है। और जो हमारा दिल्ली में एनसीडीसी है वहां पर पूरे ऐसे पैसेंजर्स सारे देश भर के उनका कंप्यूटराइज डाटा आता है, उस डाटा को सेपरेट करके जिनके ऊपर जरा सा भी डाउट होता है कि दे कैन, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी समझने की चीज है कि आज अगर मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है, आज थर्मल स्क्रीनिंग में भी मैं नेगेटिव हूं तो भी संभावना है कि 14 दिन के अंदर अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड के बीच में हूं तो मैं कभी भी सिम्टम डेवलप कर सकता हूं। इसलिए जिसके संदर्भ में कोई भी डाउट होता है उन सारे लोगों की डिटेल्ड जानकारियां देश में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके हेल्थ डिपार्टमेंट तक पहुंचाई जाती हैं। और इस समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे हर समय 30 से 35,000 लोग देश में हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में है जिनके ऊपर उनके एक एक मूवमेंट के ऊपर वॉच किया जा रहा है। यानी ये जो आपको पॉजिटिव केसेस मान लीजिए कोची से निकल के गया और वो 4 दिन बाद पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई स्क्रीनिंग को छोड़कर चला गया वहां पे। इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी सर्वेलेंस इतना स्ट्रांग था कि उसको 4 दिन के बाद भी पॉजिटिव करके हमने आइसोलेट कर लिया गया। इस संदर्भ में मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि केरल सरकार ने जब पहले 3 केसेस आए उसमें सारी हमने हर विषय के ऊपर डिटेल्ड गाइडलाइंस वी आर शेयरिंग विद ऑल द स्टेट्स डेली वी आर टॉकिंग टू ऑल द हेल्थ सेक्रेटरीज, वी आर इन टच विद ऑल द मिनिस्टर्स आइदर ऑन द टेलीफोन और थ्रू ऑल पॉसिबल मीन्स, और रोज शाम को हमको हर स्टेट से डिटेल्ड उनकी दिन भर की हेल्थ रिपोर्ट आती है जिसमें इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर वो हम लोगों को डिस्क्रिप्शन देते हैं।